वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर को लेकर एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 के आज रात के एपिसोड में कैप्टेंसी के लिए एक कार्य देंगे बिग बॉस, और साथ ही साथ इस कैप्टेंसी रेस से बाहर हो जाएंगी कविता कौशिक। आखिर किस वजह से कविता कौशिक कैप्टेंसी की रेस में शामिल होने से पहले ही बाहर हो गई, आइए हम आपको बताते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शक देखेंगे, और साथ ही साथ बीते एपिसोड में आप सभी दर्शकों ने देखा कि कविता कौशिक की बहुत बड़ी भयंकर लड़ाई हो जाती है कप्तान साहब अली गोनी के साथ, और साथ ही साथ आज रात के एपिसोड में आप सभी दर्शक देखने वाले हैं कि कविता कौशिक की लड़ाई एजाज खान के साथ हो जाएगी, उसी एजाज खान के साथ जो कि जिसे शो के मेकर जो है काफी ज्यादा फेवर कर रहे हैं, उनके फेवरेट कंटेस्टेंट की लिस्ट में शामिल है एजाज खान। एजाज खान और साथ ही साथ कविता कौशिक की जो लड़ाई है वो जुबानी जंग से शुरुआत होकर मारपीट पर आ जाएगी, और साथ ही साथ आज रात के एपिसोड में आप सभी दर्शक ये देखने वाले हैं कि कविता कौशिक जो है धक्का देते हुए नजर आएगी एजाज खान को। इसके बाद एजाज खान जो है वो काफी ज्यादा बौखला जाएंगे और बिग बॉस से ये कहते हुए नजर आएंगे कि इससे भी कम जो लोग बर्ताव किए थे, काफी बुरा बर्ताव किए थे, उन लोगों को बिग बॉस आपने ही निकाला है, तो जब कविता कौशिक इस तरह से हरकतें कर रही हैं तो कविता कौशिक को आपके क्यों नहीं निकाल देते। इसके बाद आप सभी दर्शक ये देखने वाले हैं कि एली गोनी को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं बिग बॉस और ये कहते हैं कि अपने कैप्टेंसी का पावर का इस्तेमाल करिए और इन्हें दंड दीजिए, कविता कौशिक को दंड दीजिए। इसके बाद कविता कौशिक के पास आकर एली गोनी ये कहते हुए नजर आएंगे कि आपको मैं दंड देता हूं, आपको इस कैप्टेंसी रेस से बाहर करता हूं। तो इस तरह से बाहर हो जाएंगी कविता कौशिक कैप्टेंसी रेस में शामिल होने से पहले। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कविता कौशिक और एजाज खान के बीच में जो आज रात के एपिसोड में लड़ाई होने वाली है, दोनों में से कौन सही है, कौन गलत है, प्लीज हमें अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।